नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने एक नाबालिग के साथ बदमाश ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया और विरोध करने पर उसे अपशब्द कहे और उसकी दुकान में तोड़फोड़ भी कर दी। पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम सनेही मिश्रा ने बताया है कि क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग ने अपनी मां के साथ थाने उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई है कि पड़ोस में ही रहने वाला साहिल नामक युवक उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देता है और उसे अश्लील इशारे करता है। वो जब अपनी दुकान पर बैठी हुई थी, आरोपी साहिल आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। जब ये बात नाबालिग ने अपनी मां को बताई तो आरोपी को समझाया, लेकिन आरोपी ने उसके साथ विवाद किया और उसकी दुकान में तोड़फोड़ भी कर दी, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, एक पड़ोस में रहने वाला ही आरोपी है। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि आते जाते समय पर उसके द्वारा छेड़छाड़ की जाती है, अश्लील हरकत की जाती है, अश्लील इशारे किए जाते हैं, जिसमें से अपराध धारा सदर 354D 509 506 और पॉक्सो के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण न्यायालय जल्दी ही प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं, अभी तक तो इस चीज का संज्ञान नहीं आया हुआ। जैसे भी साक्ष्य आएंगे संबंधित विषय के मजमून के हिसाब से धाराओं का इजाफा किया जाएगा। सर, बच्ची के साथ उसकी सहेली के साथ दोस्ती कराने का दबाव बना रहा था युवक, इस बात सामने नहीं, और भी डिटेल स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। जो बच्ची है उसकी सहेली के भी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। अन्य जो भी साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक अन्य धाराओं का इजाफा किया जाएगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।